आर्य युवक परिषद अंबाला की ओर से AIMT महाविद्यालय अंबाला में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के निदेशक श्री PK मेहता जी द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनीष कुमार जी SHO ट्रैफिक अंबाला रहे। गुलमोहर का प्रथम पौधा श्री मनीष जी व श्री मेहता जी के कर कमलों द्वारा लगाया गया। तदोपरांत आर्य युवक परिषद के संरक्षक डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष विजय कुमार, उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, सचिव डॉक्टर सौरभ गुप्ता, सह सचिव रजनीश भल्ला, विनय भोला द्वारा पौधारोपण किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी गुलमोहर में सिल्वर ओक के पौधे लगाए। महाविद्यालय में ही शिक्षार्थियों के रूप में आए हुए एक ब्रिगेडियर वेदो कर्नल साहिबान ने भी पौधारोपण करके आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मौके पर उपस्थित दो छोटे बच्चे शाश्वत और मोचा गुप्ता ने भी अति उत्साह के साथ पौधारोपण में भाग लिया। महाविद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं ने पौधे को अपना मित्र मानकर उनका साल भर संरक्षण व लालन पोषण करने का निर्णय लिया और संस्था की ओर से वर्ष के अंत में जिस छात्र का पौधा सुदृढ़ होगा, सबसे बड़ा वृक्ष बनेगा, उसे पौधा मित्र उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने आर्य युवक परिषद के कार्यों के बारे में बताया। मुख्य अतिथि श्री मनीष कुमार जी ने पौधों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हम प्रतिदिन जो भी वातावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं उसको दूर करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। उनको पहनने के लिए वर्दी, स्वेटर, जूते, कापियां वगैरह वितरण करते रहते हैं। इसके लिए हमने आजकल KPA के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें लोअर मीडियम क्लास के बच्चे तकरीबन पढ़ते हैं। वहां में एक बार किसी न किसी के परिवार में सत्संग होता है, जिसमें पड़ोस पड़ोस के जो है बाकी परिवारों को आमंत्रित किया जाता है और उसमें उपस्थित जितने भी लोग होते हैं उनको एक संदेश दिया जाता है कि हम आगे कैसा जीवन व्यतीत करें। आज हम यहां पौधारोपण के लिए आए हुए हैं और माननीय प्राचार्य PK मेहता जी और SHO मनीष कुमार जी आज हमारे मध्य में हैं। बड़ी प्रसन्नता है कि आज इनके हाथों से जो है पौधारोपण हुआ है और आप सब बच्चों ने भी इन पौधों का लगाया है और मैं चाहूंगा कि आप सब जो है वृक्ष मित्र बनकर इन पौधों की सेवा भी करेंगे और पालन भी करेंगे। धन्यवाद।